आप सभी लोगों का मेरे मेफ्टीवी और यूट्यूब चैनल में अगेन हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप रजिस्ट्रेशन करें सीए फाउंडेशन का 2021 नवंबर अटेम का। तो आप यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला, आप सिर्फ फोन से, अपने सेल फोन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नवम्बर 2021 का। तो चाहे आप नवंबर का करो या मई का करो, कभी कभी रजिस्ट्रेशन एक ही तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला बहुत ही इजी स्टेप में आप सिर्फ अपने फोन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सीए फाउंडेशन का। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सीए फाउंडेशन का। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अपने स्क्रीन पर ले जाकर। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उसको टच करोगे आप डायरेक्ट यहाँ आ जाओगे। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स डालना पड़ेगा, मिस्टर हो मिसेस हो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ये एक पोर्टल लॉगिन होता है, अगर इसको साइन कर देते हो तो आप नेक्स्ट पर्सनल डिटेल्स में चले जाते हो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालो, नहीं तो लास्ट नेम यहाँ पर आप डाल दो, मेल हो फीमेल ये पूरा डालने के बाद OTP डाल दो, अपना नंबर ईमेल एड्रेस ये सब डालने के बाद जनरेट OTP करना है आपको। मैं हाइड कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा पर्सनल डिटेल्स था, इसके वजह से मैंने थोड़ा हाइड कर दिया। तो देखिए OTP को आप क्लिक करोगे तो OTP आपके नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद वहाँ पर OTP आप साइन अप करोगे तो आप नेक्स्ट पर्सनल डिटेल्स में चले जाओगे। तो ये फ़ोन से मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते। तो ओके यहाँ पर दबाना है जनरेट करने को, तो यहाँ पर कुछ समय का टाइम लगता है यहाँ पर। उसके बाद आपको कैप्चर कोड को डालना पड़ेगा, तो देखकर आप अच्छे से कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल दो। इसके बाद इसको डालने के बाद आप OTP को क्लिक करोगे, आपके फ़ोन पर एक OTP आ जाएगा क्योंकि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों पर। ओके दबा दे, यहाँ पर भी ओके आप कर दो क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा, आपको OTP आ जाएगा आपके फ़ोन पर। इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है आपको। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर OTP को लॉगिन कर देना है आप, इसको जनरेट कर देना है OTP। उसके देखिए यहाँ पर आपको कंफर्म आ जाएगा। यहाँ पर टर्म और कंडीशन होता है कि आपका सर्टिफिकेट के बारे में रहता है, 10th, 12th और डिग्री। आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे या सिर्फ फाउंडेशन में कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पर कुछ समय लगेगा, इसको सेव कर दें। इसके बाद स्टूडेंट साइकिल ऊपर की तरफ है, स्टूडेंट साइकिल इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाता है अप्लाई फॉर फाउंडेशन, और एक अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री होता है तो वहाँ पर नहीं करना है। अगर आप ग्रेजुएशन के बात करते हो तो डायरेक्ट एंट्री फाउंडेशन में, अगर आप 12th के बात करते हो तो अप्लाई फॉर फाउंडेशन को क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स मैच यहाँ पर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स अपना फिल कर सकते हो। तो अच्छे से यहाँ पर फिल कर दे, मैंने फिल कर दिया, आप आराम से फिल कर दो। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट को दबा देना है, सेव कर दे पूरा अच्छे से डालने के बाद। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पर पूरा डालना पड़ेगा। अगर आप 10th पास हो, 12th अभी पास नहीं, अभी 12th आप कर रहे, आपका रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर अपना दोनों अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर आपको आपका मार्क्स और यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा, मैक्सिमम मार्क्स और आपने कितना मार्क्स लिया ये सब आप डालोगे। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ जाएगा, और आपके कौन से ईयर में आप पास हुए वो भी आप डालना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो कोई भी डेट आप लिख दो, सिर्फ 10th और 12th में 2 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए तो आपका अपलोड हो जाएगा। तो ये डाल दो, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। इसके बाद आपको अपना मीडियम को चूज़ कर लेना, हिंदी मीडियम लेना चाहते हो या इंग्लिश मीडियम लेना चाहते हो, अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप आराम से डाल दो अपना परसेंटेज, आपका क्या क्या मार्क्स आया वो सब, और अपलोड किया जाता है। यहाँ पर लिखाएगा आपको 1 MB GPG फाइल में 1 MB में कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ कि कौन सा आप ऐप से इसको कर सकते हो कम से कम MB में। तो यहाँ पर आपको डेट करना है, डेट सेलेक्ट कर देना है कि आप कौन से ईयर में पास हुए। अगर नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने जब किया था तो वहाँ पर
2015 से ज़्यादा आ ही नहीं रहा था डेट, मगर मैंने 10th 2018 में किया है, तो मैंने 2015 में किया, सिलेक्ट हो चुका, कोई ऐसा नहीं इशू है कुछ भी। तो देखिए 10th का डालने के बाद यहाँ पर आपको 12th का भी डालना पड़ेगा, पूरा डॉक्यूमेंट सेम टू सेम आपको जैसे अपने 10th का किया वैसा ही आपको 12th का भी करना है। तो यस को आप डाल दो, अगर यस आप जिस ईयर में पास हो वो आता है तो डालो, नहीं तो अपने मन से कोई भी यस को आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देखिए 2 years का डिफरेंट रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बार बार मैं कर रहा हूँ और मैच नहीं हो रहा है, तो 2 years का 2 साल का डिफरेंट रहना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आज मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर आप धड़फड़ करोगे तो आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट किए हो। देखिए यहाँ पर आप आराम से कर लो, उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से बार बार दिखा रहा है कि यहाँ पर मैचिंग नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ तो 2 साल का डिफरेंट नहीं हो पा रहा है। तो देखिए हो चुका अब डिफरेंट, अब मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इसको, इसको देखिए यहाँ पर हो चुका है। अब इसको फाइल को अपलोड करना पड़ेगा, तो बहुत ही ईजी स्टेप में आप फाइल को अपलोड कर सकते हो, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है प्रॉब्लम। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दिया जहाँ पर आप JPEG कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने डेस्कटॉप साइट में पेज को ओपन कर दिया, वहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने डेस्कटॉप साइट पर नहीं किया था, मगर यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर दिया, और डेस्कटॉप साइट में थोड़ा ज़्यादा आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो पर्सनल डिटेल्स के बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको मैच करना पड़ेगा पूरा, अगर आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स अच्छे से नहीं भरे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा पे करने के बाद भी, वहाँ पर आपको फिर से डालना पड़ जाएगा। तो अच्छे से यहाँ पर देख के आप कर लो, कोई अर्जेंट नहीं, भर भर की ज़रूरत ही नहीं, आराम से आप कर लो। अपलोड कर देता हूँ अब मैं फाइल, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम मैं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप मीडियम भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए वो हो चुका वहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपको आपका मैंने फाइल अपलोड कर दिया दोनों अपना, इसके बाद आपका सिग्नेचर आपका फ़ोटो ये दोनों को अपलोड करना है। तो ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर फाइल सिलेक्ट पहले से आपको रख के रखना है, कन्वर्ट करके कितना इस पर KB कितना MB में पूछता वो कर देना। तो फ़ोटो को मैं करता हूँ ओके, तो यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है तो मैंने कर दिया, वहाँ पर वीडियो मैंने कट कर दिया। तो यहाँ पर फिर से आपको एक कैप्चर डालना पड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पर मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया, अपना फ़ोटो भी अपलोड कर दिया और मीडियम भी सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए OTP जनरेट फिर से करना पड़ जाएगा, ओके मैसेज आ जाएगा फ़ोन और इस दोनों पर। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है अब पे करने का, तो मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया जिसको मिला के 9600 पे मैंने कर दिया। पे करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा स्क्रीन आ जाएगा, आपको 7 days का टाइम रहता है, 7 days के अंदर आपका अप्रूवल हो जाएगा नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऐसे पूरा आपको हो जाने के बाद देखिए नीचे पेमेंट जो मैंने किया 9600 होता CA फाउंडेशन का, मगर सब्सक्रिप्शन मैंने 400 का लिया जिसकी वजह से 9600 रुपया लग गया है। देखिए उसके बाद ये पूरा हो चुका है यहाँ पर, ऐसा आपको पूरा सक्सेस होने के बाद आ जाएगा। तो आप CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन इसी तरह से कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो किया तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 days का टाइम रहता, अगर आप कुछ मिस्टेक किए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आपने पूरा परफेक्ट मैचिंग का अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 7 days के अंदर। तो एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कल होकर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो वहाँ पर SRO NRO WRO ERO नाम से आपको रजिस्टर स्टूडेंट रजिस्टर नंबर आएगा जो आप संभाल के रखना है, आपको लाइफ टाइम वही नंबर वर्क होगा, चाहे आप आर्टिकल शिप हो या फाइनल में सेम ही नंबर आपको लाइफ टाइम के लिए रहता है, तो इसको संभाल के रखें। SRO अगर आप साउथ से हो तो SRO, अगर आप नॉर्थ से हो तो NRO, अगर आप वेस्ट से हो तो WRO, अगर आप ईस्ट से हो तो ERO नेम से आपको आएगा रजिस्टर नंबर, तो उसको संभाल के आपको रखना है। तो चलिए बताता हूँ, इसके मिनिमम दो दिन लगता है आपको बुक ऑर्डर करने में, ज्यादा दिन भी लगता है, कम से कम आपको 2 दिन का टाइम लगेगा बुक ऑर्डर करने में।
तो वहाँ पर क्या होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ पर से आप देख लो कैसे बुक ऑर्डर करना है। और आई बटन में भी आपको शो कर रहा होगा वीडियो, उसको भी देख ले आप कैसे बुक ऑर्डर करना है। तो आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा कि आप, आपको कूपन कोड अवेलेबल है, आप फ्री में बुक अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे बुक के, बिल्कुल फ्री बुक आईसीआई आपको प्रोवाइड कराएगा। तो कुछ पैसा नहीं आपको फ्री, अगर फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन किया तो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो यहाँ पर अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, धन्यवाद।